हेलो शार्क्स। हम सब अपने दिन की शुरुआत भगवान की पूजा से करते हैं। तेरा तुझको अर्पण बोलकर बड़ी श्रद्धा से हम भगवान के आगे फूल चढ़ाते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि उन चढ़ाए हुए फूलों का क्या होता है? या तो उन्हें कूड़े में फेंक दिया जाता है या फिर हमारी नदियों में बहा दिया जाता है। और शार्क्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल 80 लाख टन फूल नदियों में बहा दिए जाते हैं, जो कि हमारी नदियों के प्रदूषण का 16% का कारण बनती है। और तो और इन फूलों की लाइफ को बढ़ाने के लिए इसमें जो केमिकल का स्प्रे होता है वो भी हमारी नदियों के पानी को एसिडिक बना देती है। शार्क्स, ये तो हुई फूलों की बात, अब करते हैं अगरबत्ती की बात। पुराने जमाने में अगरबत्ती यानी इंसेंस हर्ब्स और नेचुरल खुशबुओं से बनाई जाती थी, लेकिन आजकल यही सारी चीजें सिंथेटिक तरीके से बनाई जाती है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक सिंथेटिक अगरबत्ती एक सिगरेट से 4 गुना ज्यादा हानिकारक है। No way. ये सारी प्रॉब्लम्स हमें मंदिरों में दिखी, जिसका सॉल्यूशन भी हमें मंदिरों में ही मिला, जहां से हुई निर्माल्य की शुरुआत। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है भरत बंसल। मेरा नाम है सुरभि बंसल। मेरा नाम है राजीव बंसल। और हम दिल्ली से आए हैं। निर्माल्य में हमारे पास अगरबत्ती, धूप, कोन्स, हवन कप, एसेंशियल ऑयल इतर्स है, जो प्योर और ऑर्गेनिक है। निर्माल्य के सारे प्रोडक्ट CSIR सर्टिफाइड है। निर्माल्य का मतलब है प्योर, यानी वो चीज जो भगवान पे अर्पित है। हम उसी निर्माल्य यानी मंदिरों के फूलों को रिसाइकिल करके अपने इंसेंस प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बहुत अच्छा। हमने अरोमा थेरेपी के लिए एसेंशियल ऑयल्स भी बनाए हैं और केमिकल बेस्ड परफ्यूम्स को रिप्लेस करने के लिए इतर्स भी बनाए हैं। हम होली के टाइम पर फूलों के पाउडर को मिक्स करके ऑर्गेनिक गुलाल भी बनाते हैं। बहुत अच्छा। शार्क्स, हम निर्माल्य को इंडिया की नंबर 1 ऑर्गेनिक फ्रेग्रेंस कंपनी बनाना चाहते हैं। हमारी आज की आपसे आज 60 लाख रुपीज फॉर 1.5% इक्विटी है। तो आइए शार्क्स, निर्माल्य की खुशबू हर घर फैलाए। 40 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया। राजीव जी, भरत, सुरभि, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। थैंक यू सर। तो आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं? बंसल क्लासेस में मिले आप तीनों। हां जी। और आप अपने चौथे बंसल को कैसे भूल गए? अरे बहुत बंसल है इंडिया में यार। चौथे बंसल को भी साथ ले जाना। सर वेरी वेरी ग्लैड। बताइए, हां कैसे जानते हैं एक दूसरे को? मैं और सुरभि हस्बैंड वाइफ हैं और राजीव फैमिली फ्रेंड है हमारे। अच्छा, आप तो भगवान भक्त हैं यार, आपको किसने चोट पहुंचा दी? ये स्टोरी ऐसी है कि अभी रिसेंटली एक ऑर्डर मिला था हमें, तो ट्रक आया था, 22 फीट ट्रक होता है, बड़ा वाला, बड़ा कंटेनर। ही वांट्स टू टेक अ सेल्फी। ट्रक में चढ़े और फिसल गए। ओहो, फर्स्ट निर्माल्य का इतना बड़ा ऑर्डर था। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कौन सी कंपनी का ऑर्डर था। मैम, एमक्योर का। देखिए, इनकी संगत में रहोगे ना, यही होगा। अभी कंपनी इतनी बड़ी हो गई, मुझे कुछ पता भी नहीं होता। बिल्कुल, डेफिनेटली मैम। आप समझाएंगे बिजनेस क्या है? कोई प्रोडक्ट है वो भी दिखा दीजिए। सो बिजनेस ये है कि हम लोग दिल्ली NCR में 300+ मंदिरों से फूल कलेक्ट करके उनको रिसाइकिल करके और इंसेंस प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इन हाउस पूरी मैन्युफैक्चरिंग है हमारी। हमारे सारे प्रोडक्ट्स का बेस फ्लावर पाउडर ही है। तो आप मंदिरों को पे करते हैं? नहीं सर, मंदिरों को, बल्कि उनको तो फूल उठवाने के पैसे देने पड़ते थे, तो अब वो हैप्पी है कि भी उनका ये खर्चा एटलीस्ट कम से कम बच गया। तो आप दोनों के हाथ में जो है वो हमारी फ्रेग्रेंस ऑफ इंडिया इंसेंस स्टिक्स है। हमारे पास इंसेंस स्टिक्स में टोटल 18 फ्रेग्रेंसेस हैं। Nice. और ये क्या है? आपके पास एसेंशियल ऑयल्स है जो हम अरोमा थेरेपी के लिए यूज करते हैं। पैकिंग वैकिंग तो अच्छी है बस। थैंक यू। ये काउ डंग हवन कप। हाँ, सो दिस इज वन ऑफ आवर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन। एंड सोर्स आपका बस मंदिरों से आ रहा है, आपको जहाँ से मिलेगा आप फूल लेंगे, वेस्ट फ्लावर्स। राइट। तो इंसेंस पार्ट जो है वो सिर्फ रिसाइकल फ्लावर से बनता है, बाकी एसेंशियल ऑयल्स और इतर हम लोग ब्लेंड करके बनाते हैं। इसके सप्लाई चेन में कोई मोट है, कोई डिफरेंशिएशन है, या कोई भी कर सकता है? सप्लाई चेन में मोट नहीं है, बट प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मोट है। हाँ, वही मतलब हो गया मेरा, कोई प्रोसेसिंग इसके रिसाइकलिंग में कोई डिफरेंशिएशन है आपका? सो एक्चुअली क्या है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो CSIR से सर्टिफाइड हैं। किससे? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इट इज अ गवर्नमेंट बॉडी और कोई भी फूल से इंसेंस स्टिक बना सकता है, बट फ्लावर की एक अपनी बर्निंग स्मेल होती है। उस बर्निंग स्मेल को कैसे ओवरकम करना है ये चीज सबको नहीं पता। तो हमारी एक अलग रेसिपी है जो हमने ड्यूरिंग द इयर्स 2-3 इयर्स हमने बनाई है, इसको डेवलप किया है प्रोडक्ट को।
आपने एक बात कही, एक अगरबत्ती चार सिगरेट पीने के बराबर होती है, जो टॉक्सिक अगरबत्ती मार्केट में मिलती है सिंथेटिक। तो क्या आपकी अगरबत्ती या आपकी जो पदार्थ है उनको जलाने से कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती है? अनुपम, हमारे पास लैब रिपोर्ट्स है जिसमें हमारी अगरबत्ती हवन कप में लेस देन 5% कार्बन कंटेंट है। नॉर्मली अगरबत्ती में 80-90% कार्बन कंटेंट होता है क्योंकि वो चारकोल से बनी होती है। तो आपकी भी हानिकारक है लेकिन कम हानिकारक है। जी, राइट राइट राइट। अच्छा, सेल्स की बात करते हैं। आपने 40 करोड़ मांगे हैं, तो आपकी सेल्स क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2021 की हमारी सेल्स थी 29 लाख, 21-22 की सेल्स थी 2.6 करोड़, और अभी तक हम लोग 3 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। ये 21 लाख से 2.6 करोड़ किस वजह से जंप हुआ? 21 लाख मैम 5-6 मंथ्स का था, और उसके बाद फिर भी अगर एनुअलाइज सेल्स देखें 40 लाख टू 2 करोड़, मोर देन 5 टाइम्स कैसे हुआ? जनवरी 21 में हमने एक्चुअली एक ऑनलाइन सेल्स में हमने एक्सप्लोर किया और हमें लगा कि ये टच एंड फील वाला प्रोडक्ट है तो शायद से ऑनलाइन नहीं बिकेगा, बट ऑनलाइन में अच्छी खासी हमारे पास डिमांड आई एंड हवन कप इज द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट एंड वो 30% रेवेन्यूज हमारी ऑनलाइन हवन कप से ही आती है। और कितना परसेंटेज आपका बिजनेस ऑनलाइन है अभी? ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो तो 50% ऑनलाइन है। अभी करंटली इस साल का 3 करोड़ में से 1.5 करोड़ ऑनलाइन है। यस। और आप प्रॉफिटेबल हैं? हमारा CM2 पॉजिटिव है। CM2 पॉजिटिव मतलब जो ऑनलाइन मार्केटिंग एक्सपेंस है वो करने के बाद हमारा पॉजिटिव है। मतलब लॉस मेकिंग है पर थोड़ा लॉस, बट हमारा बर्न बहुत ज्यादा नहीं है। पिछले महीने कितनी सेल्स की आप? पिछले महीने सितंबर में हमारी 80 लाख रुपीस की सेल्स। और कितनी बर्न हुई? 1,19,000 रुपए का बर्न। तो फ्लैट कट कट टू कट है, लेकिन 80 लाख इसलिए हुई क्योंकि सितंबर फेस्टिव मंथ था, राइट? तो वो शायद सही कंपैरिजन नहीं है। उसके पहले वाले महीने में कितनी हुई? अगस्त में हमारी सेल 51 लाख थी। तो बेसिकली 20 लाख एनुअलाइज भी कर दें तो 40 लाख, 2.5 करोड़। और इस साल कितना रेवेन्यू करेंगे आप? इस साल हम लोग 8 करोड़ पे क्लोज करेंगे। ओह वाओ, नॉट बैड। कौन ले रहा है ये प्रोडक्ट्स और आपसे क्यों ले रहे हैं? तो हमारे 3 तरीके के कस्टमर्स हैं। पहला कस्टमर जो इसको अरोमा थेरेपी के लिए खरीदता है, बिकॉज हमारे इंसेंस स्टिक्स की जो फ्रेग्रेंसेज है वो फ्रेग्रेंस एक बंद कमरे में 24 से 48 घंटे के लिए स्टे करती है। दूसरा हमारा कस्टमर है जो इसको पूजा के लिए खरीद रहा है और वो मीडियम या हाई इनकम लेवल ग्रुप में है। और तीसरा वो कस्टमर है जो इसको कॉज के लिए खरीद रहा है बिकॉज पॉल्यूशन कम हो रहा है और हमारे यहाँ पे जितनी भी लेबर है उसकी 80% लेबर इज अ वुमेन वर्कफोर्स, तो उसके लिए भी लोग खरीदते हैं। तो ये अगरबत्ती का जो मार्केट है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, लाइक ये आई थिंक साइकिल है सबसे बड़ी ब्रांड। सिर्फ इंसेंस स्टिक्स का टोटल मार्केट 11,000 करोड़ का है। 11,000 करोड़? जी। और इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंसेंस स्टिक्स का, यूएस सबसे बड़ा इम्पोर्टर है और इंडिया 150 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। तो ये ग्लोबल मार्केट हो गया 11,000 करोड़? यस, ग्लोबल मार्केट हो गया। अच्छा जी। और बढ़ रहा है, डीग्रो हो रहा है, लीडर कौन है उनका, कितना बड़ा है? नहीं, 15% एनुअली बढ़ रहा है। और इसमें साइकिल का बिजनेस कितना है? साइकिल का है 900-950 करोड़ के आसपास। अच्छा, तो बाकी सारा ऐसे फ्रेगमेंटेड है, अनऑर्गेनाइज्ड? हाँ, मतलब 3-4 प्लेयर्स हैं जो बड़े हैं, उसके बाद सब फ्रेगमेंटेड मार्केट्स हैं, लोकल प्लेयर्स हैं काफी सारे। कितना? 60-70% लोकल है? 70% लोकल है। 70% लोकल है, राइट। तो आपके कंपेटिटर्स कौन है? आई वुड लाइक टू नो कितने हैं और कौन है। सो अभी सिर्फ फूल है एक जो हमारा डायरेक्ट कंपेटिटर। दैट्स इट, जस्ट वन कंपेटिटर। दैट्स इट, या। आप ऐसा क्यों कहते हैं? एक बात कहिए आप, एक अगरबत्ती की जो डब्बी आती है आपकी क्या प्राइस पॉइंट है? हमारा MRP इज 150 रुपीस फॉर 40 स्टिक्स। साइकिल 40 स्टिक्स? साइकिल इज 40 रुपीस फॉर 30 स्टिक्स। ग्लोबल मार्केट जी। आपने कुछ तो पैसे उठाए होंगे कहीं से? हाँ जी। कहाँ से, कितनी? हमने अभी जुलाई 22 में अपना राउंड क्लोज करा है, अर्था वेंचर्स ने राउंड लीड करा है और शिप रॉकेट कुछ एंजल्स ने भी इन्वेस्ट किया। दमानी है ना अर्था में? हाँ जी, हाँ जी। कितना पैसा रेज किया है? हमारा टोटल अराउंड था 6.5 करोड़ का, जिसमें 4 करोड़ हमारे पास फर्स्ट ट्रांच में थे एंड रेस्ट इज इन द सेकंड ट्रांच। और कितना डाइल्यूट किया आपने? पोस्ट मनी 20%। तो 80% में आपकी इक्विटी कैसे डिवाइडेड है? जो फाउंडर्स इक्विटी है, फाउंडर्स इक्विटी में 40 इनकी है, 40 मेरी और 20 इनकी है। तो वैल्यूएशन कितना हुआ ये बता दीजिए? वैल्यूएशन 28 करोड़ पोस्ट मनी। 28 करोड़ पोस्ट मनी, और आज आप मांग रहे हैं 40 करोड़। तो क्या हो गया जुलाई और अब के बीच में? जो हमारी टर्म शीट साइन हुई थी वो अप्रैल में साइन हुई थी और तब हमारी सेल्स 40 लाख रुपीस पर मंथ की थी इवन इन द फेस्टिवल, जो मार्च की सेल्स थी, और अब हमारी सेल्स 80 लाख के आसपास की है। नहीं नहीं, वो एक महीने में हुई है सितंबर। नहीं, हमारा अक्टूबर इससे भी हाई जाएगा। कितना मार्केटिंग स्पेंड कर रहे हैं हम महीने का? हम ऑलमोस्ट 8-10 लाख रुपए।
तो आपका रिपीट बहुत हाई होगा? हमारा 35% रिपीट है। 35% तो ज्यादा नहीं हुआ, पूजा का सामान है, रोज लगता है। बट हमें 1.5 साल ही हुआ है। अच्छा ठीक है, 1 करोड़ आपका महीने का धन बिजनेस नहीं, अभी 70 लाख हो गया। जी जी, उसमें से अगरबत्ती कितना है? हाँ, SKU-wise सेल्स बताइए। उसमें से हमारा ऑलमोस्ट 15 लाख हवन कप्स है और 25 लाख का हमारा इंसेंस स्टिक्स, कोन्स और धूप का मिक्सचर होगा, एंड रेस्ट इज जो अभी फेस्टिव पे गिफ्ट बॉक्सेस वगैरह और वो सब चीजें। और B2B कितना है आपका, जो नमिता जैसी ऑर्डर वाले बिजनेस? हमारा जैसे 50% ऑनलाइन बिजनेस है और 50% ऑफलाइन है, तो 50% में हमारा 75% बिजनेस कॉर्पोरेट गिफ्टिंग से। मुझे इस कैटेगरी की बहुत नॉलेज नहीं है, बट 5-6-8 करोड़ का बिजनेस, मतलब आई एम शॉक्ड, राइट? तो यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू। तो अभी मैं इससे बाहर हूँ इसलिए बिकॉज मुझे लगता है आपको पैसे की जरूरत है बिजनेस करने के लिए। ऑलरेडी एक बड़ा कंपेटिटर भी है, 1000 करोड़ का टोटल टैम है, तो अगर मैं मान लूं 500 करोड़ आपके पास, 500 करोड़ उसके पास भी, तो वो भी टाइम का भी मुझे इशू लग रहा है। और उतना बिजनेस बनाने के लिए आपके पास ऑलरेडी फंड्स हैं, तो आई डोंट रियली थिंक कि आपको पैसा रेज भी करना चाहिए आज। तो इसलिए मैं बाहर हूं और मैं मदद नहीं कर पाऊंगा अगर पैसा दे भी दूंगा। मैं एक तो बात कहता हूं आपसे, मुझे लग रहा है कि ये इंडस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपकी ये दो बात सच है कि 11,000 करोड़ की मार्केट है और सिर्फ 30% ऑर्गेनाइज्ड है और 15% से हर साल बढ़ रही है मार्केट, तो ये मार्केट बहुत एक्साइटिंग, ठीक है? प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि ये ऑर्गेनाइज होगी कि नहीं होगी, और अगर होगी तो उसमें से आप एक प्लेयर बनोगे कि नहीं बनोगे, ये ठीक से अभी समझ नहीं आ रहा है। और मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज ये लगा कि आपका ऑफलाइन बिजनेस एंटायरली कॉर्पोरेट बिजनेस, I think that is a big negative. मेरे हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे margins बनाना बहुत मुश्किल है। Second thing, at 70 lakh scale, ये वाले business में जहाँ आपका raw material free है, right? Collection charges है, बाकी free है, आप फिर भी पैसे नहीं बना रहे हो, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी negative बात है। ये business मुझे नहीं लगता है VC के पैसों से बनने वाला business है। तो fundraising कर लिया आपने, congratulations, लेकिन वो चक्कर में मत रहिए, आप इसे profitable बनाइए। मैं आज बाहर हूँ, good luck. MQO के orders आते रहेंगे, तो don't worry about that. TAM भी थोड़ा छोटा है and Fool has the first mover advantage. तो छोटे TAM में second mover का कितना advantage होगा, कितना आप scale कर पाएंगे, I'm not so sure. But I hope you do. But मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊँगी other than being a good customer, loyal customer. So I wish you the best. I'm out. मैं भी अभी से out हूँ। 50-60 लाख के मंथली बिजनेस में आई थिंक नंबर ऑफ चैनल्स जो हैं B2B ऑफलाइन ऑनलाइन में और नंबर ऑफ रेंजेस, मतलब एक तो SKU बहुत सारे हैं, तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि इसमें बड़ा क्या बनेगा। तो आई थिंक आपको जो फंडिंग मिली है उसको यू कैन पुट इट टू गुड यूज, सो बेस्ट ऑफ लक, आई एम आउट। मैं भी आउट हूँ। मेरा मेन रीजन है कि आपको जो फंडिंग मिली है ना, अभी बहुत ज्यादा मिल चुकी है ऑलरेडी, तो अभी उस पे नेगोशिएट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। 28 करोड़ की वैल्यूएशन आपको जिसने दी है ना, वो भी आप उनकी भी फोटो यहाँ लगा दो कि भाई उनकी भी पूजा कर ले हम सब, जो 28 करोड़ इतने से बिजनेस के लिए दे दी, बहुत अच्छी बड़ी बात है। तो फॉर दैट रीजन आई एम ऑल्सो आउट। जस्ट ट्राई टू अर्न मनी बट नॉट बर्न मनी, दैट इज व्हाट आई विल से। थैंक यू, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।